मनाई जाएगी महाशिवरात्रि। इस विधि से करें शिव जी का रुद्राभिषेक। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व बेहद शुभ माना गया है। इस साल यह व्रत आज मनाया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ उपवास रखते हैं और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही इस व्रत को रखने से पिछले पापों और नकारात्मक कर्मों से भी मुक्ति मिलती है। महाशिवरात्रि शिव और माँ पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है। फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिव जी ने वैराग्य छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था और माता पार्वती से विवाह किया था। इसी वजह से भी हर साल शिव गौरी के विवाह महोत्सव के रूप में शिवरात्रि मनाई जाती है। वहीं हम आपको बता दें कि इस दिन महादेव शिवलिंग के रूप में पहली बार प्रकट हुए थे, इसीलिए भी आज के दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में शिव विवाह का आयोजन किया जाता है। भक्त शिव जी की बारात निकालते हैं और शिवरात्रि की रात मंदिरों में भजन कीर्तन कराया जाता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिव जी की विधिवत पूजा और जलाभिषेक करने से जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। हम आपको बता दें कि रुद्राभिषेक करने के लिए आपको क्या क्या चरणों को अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले रुद्राभिषेक करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान अवश्य करें। इसी के साथ शिवलिंग को उत्तर दिशा में स्थापित करें और सबसे पहले उसका गंगा जल से अभिषेक कराएं। यदि आपके घर में शिवलिंग उपस्थित नहीं है तो आप आसपास के किसी मंदिर में जाकर भी भगवान शंकर का जलाभिषेक कर सकते हैं। फिर दूध, दही, शहद, घी और शक्कर आदि से भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय शिव मंत्रों का जाप करते रहें। आखिरी में एक बार फिर से गंगा जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। फिर भगवान शिव को चंदन का त्रिपुंड लगाएं। फूलों की माला और बेलपत्र भगवान को अवश्य चढ़ाएं। साथ ही वस्त्र, रुद्राक्ष आदि से महादेव का श्रृंगार करें। इसके बाद फल, फूल इत्यादि चीजों से भगवान को भोग लगाएं। शिव जी के 108 नामों का जाप भी आप आज के दिन कर सकते हैं। इसके बाद आरती से अपनी पूजा को पूर्ण करें और शंखनाद करके घर का वातावरण पवित्र करें। अंत में घर के सभी सदस्यों में प्रसाद का वितरण कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल को। धन्यवाद।